ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशी और आप देख रहे हैं बाउंड टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कल यानी कि 26 नवंबर की निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस एंड ऑप्शन चेन एनालिसिस। उससे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे और देखेंगे किस साइड वो मूव ले सकता है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन, उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और हम क्या है कि इंडिकेटर पे एक सीरीज बना रहे हैं, बाद में उसमें स्ट्रेटेजी ऐड करेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम उसमें प्राइस एक्शन भी ऐड करने वाले। तो आपको कुछ लर्न करना है, कुछ जानना है तो सिंपल सा तरीका, आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। अब हम आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा के ऊपर। हम कॉल साइड से रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे, पुट साइड से सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं कॉल साइड देख रहा हूं तो सबसे ज्यादा वाई बिल्डअप मेरे को इस प्राइस पे दिख रहा है, जो है 12,100। तो ये मेरा क्या होगा, रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। बाद में मैं पुट साइड देखता हूं तो सबसे ज्यादा वाई बिल्डअप मेरे को हाल फिलहाल 12,000 पे दिख रहा है, तो ये मेरा क्या होगा, सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। तो इसमें मैं देख रहा हूं तो मेरे को पुट साइड सबसे ज्यादा वाई बिल्डअप दिख रही है और चेंज इन वाई भी सबसे ज्यादा वहीं पर बिल्डअप हुए दिख रहे हैं। तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि मार्केट में सपोर्ट क्या है कि ज्यादा स्ट्रांग है। अब हम निफ्टी में एक मूव जानने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें आइडिया हो कि कल निफ्टी किस साइड मूवमेंट दे सकता है। ये एक एनालिसिस है तो आपको एनालिसिस की तरह सोचना पड़ेगा। अगर उस साइड मूवमेंट देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा सपोर्ट है, कौन से रेजिस्टेंस है, उसके बाद आप कोई ट्रेड ले सकते हो। अगर मेरे को कॉल साइड लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मार्केट जाएगा अप। तो मैं कॉल साइड देख रहा हूँ तो मेरे को लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अप जाने के चांसेस है। बाद में मैं पुट साइड आ जाता हूँ, अगर मेरे को पुट साइड लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मार्केट जाएगा डाउन। लेकिन पुट साइड मेरे को कोई लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई नहीं दिख रही तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मार्केट जाएगा डाउन। बाद में मैं कॉल साइड आ जाता हूँ, अगर कॉल साइड मेरे को शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मार्केट जाएगा डाउन। लेकिन कॉल साइड ऐसी कोई शॉर्ट पोजीशन हाल फिलहाल नहीं दिख रही तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। बाद में पुट साइड आ जाते, अगर पुट साइड मेरे को शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिखी तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मार्केट जाएगा अप। तो पुट साइड देख रहा हूँ तो मेरे को शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही है, तो ऐसा बोल सकते हो कि मार्केट अप जाने के चांसेस है। तो यह सभी पॉइंट देखने के बाद, चार पॉइंट में से दो पॉइंट हमें कुछ नहीं मिले और दो मिले और दोनों अपसाइड जाने के मिले, तो निफ्टी कल अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। अब हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा के ऊपर। तो इससे हम कॉल साइड से रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, पुट साइड से सपोर्ट फाइंड करेंगे पहले, बाद में मार्केट की एक डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो मैं कॉल साइड देख रहा हूं तो सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप मेरे को 32,000 पे दिख रही है, तो मेरा हाल फिलहाल का रेजिस्टेंस होगा वो 32,000 होगा। बाद में मैं पुट साइड देख रहा हूँ तो पुट साइड मेरे को 31,000 पे सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप दिख रही है, तो ये मेरा हो गया सपोर्ट। अगर सपोर्ट में देखूं तो चेंज इन ओआई भी सबसे ज्यादा उसी स्ट्राइक प्राइस पे है, तो मैं क्या है कि इसको एक एडिशनली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान सकता हूँ। तो ये हो गया बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी कल कौन से साइड मूव दे सकता है। तो अगर मेरे को कॉल साइड लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बैंक निफ्टी कल अप जाएगा। तो मेरे को लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बैंक निफ्टी कल अप जा सकता है। बाद में अगर मैं पुट साइड आ जाऊँ, अगर मेरे को पुट साइड लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिखी तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मार्केट डाउन जाएगा। लेकिन कोई मेरे को लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई नहीं दिख रही है। बाद में फिर से हम कॉल साइड आ जाते, अगर कॉल साइड मेरे को शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मार्केट जाएगा डाउन। तो कॉल साइड हमें कोई ऐसी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई नहीं दिख रही है तो ऐसा हम नहीं बोलेंगे। बाद में मैं फिर से पुट साइड आ जाता हूँ, अगर पुट साइड मेरे को शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मार्केट जाएगा अप। तो पुट साइड मेरे को शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही है तो ऐसा बोल सकते हैं हम कि मार्केट जाएगा अप। चार पॉइंट देखे, चार में से दो पॉइंट में से कुछ नहीं मिला, दो पॉइंट अपसाइड जाने को मिला, तो बैंक निफ्टी कल अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। तो ये हो गया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस। इन सिंपल, दोनों कल बुलिश रह सकते। अब हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। पहले आज का परफॉर्मेंस देख लेते, बाद में कल का देखेंगे। तो आज मार्केट बुलिश में ओपन हुआ और बाद में अपसाइड ही जाता रहा, ना हमारे कोई सपोर्ट पे सपोर्ट लिया, ना कोई रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस लिया। अगर मैं कल के लिए देख रहा हूँ तो मेरा नॉर्मल व्यू बुलिश होगा, क्योंकि ऑप्शन चेन बुलिश बता रहा है, चार्ट भी एक अच्छा सा रिवर्स हो चुका है और क्या है कि ब्रेकआउट वगैरह दे चुका है, तो मेरे को लग रहा है कल मार्केट बुलिश रहेगा। तो मान लेते हैं अगर कल मार्केट बुलिश ओपन हुआ और क्या है कि ऊपर जाके यह रेजिस्टेंस लाइन के आसपास अगर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखाता है तभी मैं इसमें सेल में आऊंगा। देखो मेन बात है स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, क्यों, क्योंकि इधर से हम सेल ले रहे और देख रहे हैं मार्केट को अपसाइड जाते हुए,
तो अगर ये लाइन के आसपास से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया तभी मैं इसमें सेल में आऊंगा जो है 12,100। अगर मैं इसमें बाइंग की सोचूं तो बाइंग मेरा कब होगा, तो अगर मान लेते कि निफ्टी कल ओपन होता है ग्रीन में और थोड़ा नीचे आके हमारी ये सपोर्ट लाइन है जो है 12,040 के आसपास, अगर ये इस पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने का साइन देते तब मैं इसमें बाइंग में आऊंगा। अगर नॉर्मल सी बात है, अगर निफ्टी कल क्या हुआ, चलो मान लेते कि इसको भी अबव निकल गया, मान लेते कल निफ्टी में सुबह में मॉर्निंग में एक मूवमेंट होता है तो इससे अबव निकल गया और बाद में थोड़ा रिट्रेस देके ये लाइन के आसपास फिर से क्या है कि ऊपर जाने का साइन देता है। देखो ये रेजिस्टेंस लाइन है, लेकिन इसको एक बार ब्रेक करके ऊपर चला गया और बाद में इधर से नीचे आकर हमारी इस लाइन के आसपास से फिर से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है तो मैं फिर से बाइंग में आऊंगा। तो इन सिंपल निफ्टी में हमारे कौन से सपोर्ट रहेंगे, कौन से रेजिस्टेंस रहेंगे, तो जो 12,100 का लेवल है वो मेरा रेजिस्टेंस रहेगा और 12,040 का लेवल है वो मेरा सपोर्ट रहेगा। तो जो 12,100 का लेवल है उसको ब्रेक करके ऊपर निकलने के बाद फिर से थोड़ा नीचे आके उस पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है और फिर से ऊपर जा रहा है तो मैं इसमें बाइंग में आऊंगा। अगर मैं उसके और नीचे देखूं तो मेरा कौन सा सपोर्ट होगा, कौन सा रेजिस्टेंस होगा वो देख लेते हैं। अगर मैं 12,040 के नीचे देखता हूं तो मेरे को 12,000 का जो लेवल लग रहा है वो मेरे को लग रहा है कि ये सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हमारी रणनीति होगी। तो जब मैं बैंक निफ्टी में जा रहा हूँ तो उसमें मेरे को सिंपल वही दिख रहा है, हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करके ऊपर निकल चुका है। तो कल के लिए क्या व्यू रहेगा हमारा, तो बैंक निफ्टी मेरे को लग रहा है कि बुलिस में ओपन होगा और अपसाइड ही जा सकता है। अगर कल बैंक निफ्टी ओपन होता है ग्रीन में और थोड़ा रिट्रेस करता है, मॉर्निंग में थोड़ा रिट्रेस करके ये हमारे जोन में आएगा जो है 31,500 से लेकर 31,480 तक, जो इस जोन से फिर से रिवर्सल देके अप जाने की कोशिश कर रहा है तब मैं इसमें बाइंग में आऊंगा। अगर ये मेरे को 31,800 के आसपास से रिवर्सल दिखा के नीचे आने की कोशिश कर रहा है तब मैं इसमें सेलिंग में आऊंगा। सिंपल है, 31,800 मेरा रेजिस्टेंस होगा तो मैं इसमें दो ही व्यू रखता हूँ। अगर ये मेरे को 31,500 के आसपास से रिवर्सल देता है अपसाइड जाने का तब मैं इसमें बाइंग में आऊंगा, 31,800 से रिवर्सल देता है डाउनसाइड का तब मैं इसमें सेलिंग में आऊंगा। अगर मेरे को बैंक निफ्टी में कल क्या है कि कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न मिल जाते हैं दिन के बीच में कहीं तो मैं इसमें बाय कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं इस लाइन के आसपास से बाय करूंगा, इस लाइन के आसपास से शॉर्ट करूंगा। अगर इस लाइन के आसपास से मेरे को मौका मिला, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मिला तब भी मैं शॉर्ट करूंगा। अगर मान लेते कि कल बैंक निफ्टी इस जोन को ब्रेक करके नीचे आएगा, देखो मार्केट है कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं होता कि आप जो सोच रहे हो वही मार्केट करेगा, हाँ होता है लेकिन कभी कभी नहीं भी होता, तो आपको और आइडिया लेके जाना पड़ेगा। तो मान लेते इस जोन को ब्रेक करके नीचे आ गया और जो ये हमारी राइजिंग सपोर्ट लाइन है उस पर कहीं इसने क्या है कि सपोर्ट लेके ऊपर जाने का ट्रेंड बताता है तो मैं इसमें बाइंग में आ सकता हूँ, लेकिन ये चांसेस बहुत कम है लेकिन हो सकता है ऐसा। तो ये हो गए हमारे बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। 31,500 मेरा सपोर्ट रहेगा, 31,800 मेरा रेजिस्टेंस रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा लेकिन अगर उस पर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखाता है तभी मैं इसमें सेल करूंगा। तो ये हो गए हमारी ओर से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस एंड ऑप्शन चेन एनालिसिस। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे। सो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।